हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में माइक्रोवेव की बाटियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ठंड का टाइम आ गया है और दाल बाटी जो है बहुत ही अच्छी लगती है इस टाइम पे खाने में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोटा आटा लिया है एक कटोरी, और उसमें मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। सॉल्ट डालना है मैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है मैंने, और इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। तो अजवाइन इस तरह से हमें हाथ से थोड़ा सा क्रश करके उसके बाद डालनी है ताकि इसका पूरा फ्लेवर अच्छी तरह आए, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। आपको एग्जैक्ट जो इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो। ये इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे एक बार हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए बिल्कुल। तो ये इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से हमें इक्वल कर लेना है, एक सार कर लेना है आटे को, ताकि मोयन अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये इस तरह से हमें बॉल्स बनाकर देख लेनी है। अगर ये बंद रहा है इसका मतलब हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मोयन जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर ये मोयन अच्छे से नहीं डला हुआ होगा तो ये बाटियाँ जो है हमारी क्रिस्पी नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होंगी। तो अब मैं इसका डो बना लेती हूँ। इसका डो जो है वो हमें थोड़ा कड़ा रखना है, क्योंकि नरम डो की जो बाटियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखिए, और आटे में हमारी इस तरह की दरार दिखेगी क्योंकि हमारा डो जो है वो थोड़ा कड़ा है। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रख दिया। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हमें आटे को वापस एक बार अच्छी तरह से लोच दे देनी है। तो ये इस तरह से मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह लोच दे लिया है। के बाद हमें इसको जितनी भी हमें बाटियाँ बनानी है उतने भाग में डिवाइड कर लेना है। मैंने जितना आटा लिया था उसकी 4 बाटियाँ बनेगी यहाँ पे। तो इस तरह से 4 बाटियों को मैं हाथ से गोल शेप दे देती हूँ, और इस तरह से बीच में प्रेस करके हमें बाटियों को शेप दे देना है। इसी प्रकार मैं सारी बाटियाँ जो हैं उनको भी इसी तरह शेप दे दे रही हूँ। माइक्रोवेव में बाटी बनाते वक्त हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम बेकिंग सोडा जरूर डालें ताकि हमारी बाटियाँ अच्छी बने। तो अब मैं ये इसको ग्रिलिंग करने के लिए रैक के ऊपर रख देती हूँ। मैंने माइक्रोवेव को पहले ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब इसे हम ग्रिल पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। स्टार्ट कर देती हूँ इसे। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बाटियों को निकाल करके टर्न कर देती हूँ। ये बाटियाँ देखिए हमारी एक साइड थोड़ी बहुत सिक चुकी है, इसे मैं टर्न कर लेती हूँ। अब हम वापस से इसे 10 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे दूसरे साइड से। तो मैंने इसको ग्रिल करने के लिए लगा दिया है 10 मिनट के लिए। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो बाटियां हैं अभी थोड़ी सी अभी भी कच्ची लग रही है। तो मैं 2 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड से वापस से ग्रिल करूंगी। तो ये 2 मिनट के लिए वापस लगा दिया। फिर मैंने दोनों साइड से 2-2 मिनट के लिए फिर से कुक कर लिया है।
ये देखिए बाटी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपकी बाटियाँ थोड़ी मोटी है तो उसे थोड़ा ज़्यादा कुक कर लें। ये देखिए निकाल के इसको हाथ से इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि इसको हम जब घी में डिप करें तो पूरा घी जो है वो अच्छी तरह से बाटियाँ एब्जॉर्ब कर ले, इनकी जो ये दरारें हैं इनसे पूरा घी अंदर चला जाएगा। तो सर्व करने से पहले इस तरह से हमें बाटियों को घी में डिप कर लेना है। ये मैं डायरेक्ट ट्रे में निकाल लेती हूँ जिससे हमें सर्व करना है। इस तरह से सारी बाटियों को मैंने घी में डिप कर लिया है। देखिए हमारी दाल बाटी जो है बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बहुत ही सॉफ्ट हमारी बाटी बनी है, ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो घर पे आप माइक्रोवेव पे बाटी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको बाटी आपकी कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।